शुभ मंगल सावधान के मेकर्स इस फिल्म का सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं और इस फिल्म का नाम होगा शुभ मंगल ज्यादा सावधान। इस फिल्म में मेकर्स होमोसेक्सुअलिटी के मुद्दे को दिखाएंगे। इससे पहले फिल्म के फर्स्ट पार्ट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे सीरियस इशू को बहुत ही लाइटली और ह्यूमरस अंदाज में दिखाया गया था, जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया था। शुभ मंगल सावधान जो आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म थी, उसको काफी सराहा गया एंड द कॉन्सेप्ट वाज यू नो डिफरेंट। इट वाज एन इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो मेनस्ट्रीम उनका सब्जेक्ट था और 43 करोड़ इट वेंट ऑन टू अर्न इवन आफ्टर बीइंग अ मीडियम बजट फिल्म। इट वाजंट अ वेरी ग्रैंड फिल्म। और आनंद एल राय जो इनके प्रोड्यूसर है, वो अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट या उसका फ्रेंचाइज लेकर आ रहे हैं शुभ मंगल ज्यादा सावधान। एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज द सब्जेक्ट इज ऑन होमोसेक्सुअलिटी। राइट, बिकॉज काफी टाइम ऐसा होता है कि नो एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को टैकल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, इसीलिए ऐसे सब्जेक्ट्स पर बहुत कम फिल्म्स बनती हैं। एंड यू नो हैविंग ऑलरेडी टैकल्ड वन टैबू सब्जेक्ट यू नो जो सोसाइटी के लिए है, आई थिंक दिस टीम इज एक्सपीरियंस्ड इनफ। इन्हें पता है कि किस तरह की स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, किस तरह का कैरेक्टर डिवेलपमेंट होना चाहिए जिससे लोग रिलेट कर सके। सो मे बी दैट इज द रीजन यू नो कि सो आई थिंक इसीलिए टीम ने कलेक्टिवली डिसाइड किया है कि एक और सेंसिटिव सब्जेक्ट को एक लाइट ह्यूमरस वे में हम लेकर आते हैं इन द सेकंड फिल्म दैट दे आर डूइंग टुगेदर। एब्सोल्युटली। और आनंद एल राय ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा दैट एवरी इंस्टॉलमेंट विल डील विद अ टॉपिक दैट टचेस एवरी पर्सन बट नो वन वांट्स टू स्पीक अबाउट इट पब्लिकली एंड लाइक द फर्स्ट फिल्म दिस वन टू विल ब्रोच अ टैबू सब्जेक्ट विद ग्रेट सेंसिटिविटी एंड लाइट ह्यूमर। सो ही knows that you know these are the topics you know they call taboo, uske bare mein log publicly baat nahi karna chahte, to at least entertainment industry ke bus mein jitna hai wo awareness spread kar sakti hai because we know so many people get influenced watching you know the films aur agar aise subjects par films bane aur Ayushman Khurana very rightly chooses the subjects and we've seen him do that, he is really good at choosing his scripts for that matter. Yeah, whether badhai ho ke bare mein baat kare, you know, even wo ek aisa subject tha, ek topic tha jo kafi untouched tha. People didn't want to talk about their family and their personal lives just like that. To ek wo jo Kaushik family ka unhone scenario create kiya tha aur jo unki situation dikhai thi, as an actor Ayushman Khurana ne use bahut acche delicately handle kiya tha. Again talking about his second hit film Andhadhun in 2018, wo bhi ek bahut hi different character unhone choose kiya. So as we can see कि जैसी जैसी उनकी फिल्में आती जा रही हैं, एक नया कैरेक्टर वो हमेशा चूज करते हैं, विच इज डेफिनेटली चैलेंजिंग, येट इट्स वेरी कनेक्टिव, वेरी रिलेटेबल टू द ऑडियंस। आल्सो टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म जो होमोसेक्सुअलिटी पर है, इस पर यू नो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कई माध्यम में दिखाया गया है, कई कैपेसिटीज में दिखाया गया है। रिसेंटली गे सेक्स दिखाया था इन मेड इन हेवन, ऑल्सो लेस्बियन लव, सेम सेक्स लव हैज बीन शोन इन डिफरेंट कैपेसिटीज, बट इफ यू टॉक अबाउट फिल्म्स, सिर्फ गिनी चुनी फिल्में हैं। आई रिमेंबर अलीगढ़, कपूर एंड सन्स में फवाद खान का रोल था, वो थोड़ा सा सिर्फ एक टच दिया गया था, बट टॉकिंग अबाउट मेन सब्जेक्ट बीइंग द सेंटर ऑफ द फिल्म वाज एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उसमें सोनम कपूर का रोल था वहां पर। बट रशिदा, इफ यू रिवाइंड अ लिटिल बिट एंड यू थिंक अबाउट फिल्म्स एंड सॉन्ग्स जो पहले दिखाए जाते थे होमोसेक्सुअलिटी पर, इट वाज एक्चुअली ट्रीटेड लाइक अ टैबू इवन इन फिल्म्स, इट वाज मेड फन ऑफ। आई स्टिल रिमेंबर दोस्ताना में जिस तरीके से उन्होंने वो केमिस्ट्री दिखाई थी अभिषेक बच्चन और जॉन इब्राहिम के बीच में, इट वॉज लाइक माँ का लाडला बिगड़ गया, दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स वर देयर, डोंट यू रिमेंबर किस तरीके से उन लोग इस पूरे इक्वेशन को दिखाते थे। या एंड यू नो या तो वो बिल्कुल उसको एकदम लाइटली एक फनी मैनर में शो करते थे, या तो फिर यू नो इट यूज्ड टू बी वेरी इंटेंस, देयर वाजंट लाइक अ रियल बैलेंस। लाइक इफ यू सी अ फिल्म लाइक डियर डैड और अलीगढ़, ये बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाते थे, बट राइट नाउ एज आनंद एल राय हैज क्लेम्ड कि यहाँ पर हमारा जो फोकल पॉइंट है, जो सब्जेक्ट है, वो होमोसेक्सुअलिटी है, बट उसके साथ में आपको एक ह्यूमरस उसमें साइड दिखाई देगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी फनी, बट इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ फन फिल्म टू वॉच।